हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो किसी जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड यूज होता है tar-xvzf ऑप्शन, और उसके बाद में उस जीजी फाइल का नेम आपको लिखना है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने xvzf ऑप्शन यूज किया है। तो x stands for एक्सट्रैक्ट, v for verbose, ये आपको उस कमांड का एग्जीक्यूशन प्रोसेस टर्मिनल स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। जेड फॉर जीप फाइल, यानी जब कभी आप किसी जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या अनजिप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टार कमांड के साथ में जेड ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। और एफ फॉर फाइल नेम, ये टार कमांड को उस जीजी फाइल का नेम बताएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अभी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है /my-solution/y, और उसके अंदर हम इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट करते हैं ls-l कमांड की सहायता से। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक जीजी फाइल क्रिएटेड है, ठीक है। अब मैं इस जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कमांड यूज होगा tar-xvzf ऑप्शन, और उसके बाद में उस जीजी फाइल का नेम आपको लिखना है। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसमें जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो एंटर की प्रेस करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये जीजी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब ls-l कमांड यूज करके इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो जीजी फाइल थी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ये सारा जो कंटेंट है वो इस जीजी फाइल का कंटेंट था, और ये जीजी फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ये कमांड क्या करेगा कि आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उस डायरेक्टरी में ये इस जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। यदि आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन या किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में आप इस जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमांड यूज होगा। सबसे पहले उस डायरेक्टरी को चेक कर लेते हैं जहां पर हम इस जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ls-l /etc और टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस जीजी फाइल को इस डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ /etc/test डायरेक्टरी के अंदर। तो ये इस फाइल का, इस डायरेक्टरी के अंदर भी कोई भी कंटेंट नहीं है। तो अब उस जीजी फाइल को मुझे /etc/test डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए कमांड यूज होगा tar-xvzf ऑप्शन, और उसके बाद में उस जीजी फाइल का नेम आपको लिखना है, और उसके बाद में कैपिटल सी ऑप्शन, और उसके बाद में उस डायरेक्टरी का पाथ आपको लिखना है जहां पर जिस डायरेक्टरी में आप इस जीजी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये जीजी फाइल यहां पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है /etc/test डायरेक्टरी के अंदर। तो चेक कर लीजिए ls-l /etc/test। तो देखिए यहाँ पर वो जीजी फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप किसी जीजी फाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी और किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।